हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है घिया की बर्फी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं घिया की बर्फी बनाना। घिया की बर्फी बनाने के लिए ये हमने 1 किलो घिया ली थी, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है और जो घिया के बीच का हिस्सा है उसको हमने निकाल दिया है। ये देखो, इस प्रकार से घिया का बीच का हिस्सा निकाल लिया है और साइड का हिस्सा हमने कद्दूकस कर लिया है। ये हमने 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और ये इलायची पाउडर है और ये फ्रूट्स कलर है, ये हमने ग्रीन वाला फ्रूट्स कलर लिया है। 1 कप दूध और 1 कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है और 1 कटोरी हमने चीनी ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालूंगी। घी हमारा गर्म होने लगा है, हमने घिया का पानी निकाल दिया है। इसे हमने हाथ से निचोड़ लिया था घिया को, हमने इसे ज्यादा नहीं निचोड़ा, इसको हल्के हाथों से ही निचोड़ा है घिया को। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये घिया डाल दूंगी। और घिया को मैं अच्छे से भून लूंगी। घिया को मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी प्रकार से भून लूंगी। ये हमारी घिया अच्छे से भून चुकी है, अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। ये मैंने 1 कप दूध लिया था, ये इसमें डाल दूंगी मैं और इसे अच्छे से पकने दूंगी मैं फिर से, जब तक ये दूध अच्छे से सोख ना ले घिया। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है और ये मैंने ग्रीन फ्रूट कलर लिया है, मैं मिल्क पाउडर में ही ग्रीन फ्रूट कलर डाल दूंगी। ये मैंने 1 पिंच के आसपास फ्रूट कलर डाला है जिससे कि हमारी बर्फी का कलर बढ़िया आएगा। और चुटकी भर में इलायची पाउडर इसी में ही डाल रही हूँ। ये हमारे घिया ने सारे दूध को सोख लिया है और दूध हमारा सारा इसमें अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी, ये मैं चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी क्योंकि ये मैंने फ्रूट्स कलर डाला है इसमें। और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ये हमारे मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, ये चीनी डाल दूंगी, ये अच्छे से मिक्स करूंगी चीनी को। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है घिया की बर्फी। मैं इसमें 1 पिंच के आसपास और डाल रही हूँ फ्रूट कलर जिससे कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। अच्छे से मिक्स करूंगी फिर मैं, जब तक इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक मैं इसे इसी प्रकार से पकने। ये हमारी घिया की बर्फी के लिए पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये मैंने 1 बाउल लिया है, आप चाहे कोई थाली या प्लेट में इसको जमा सकते हो, मैं इसमें जमाऊंगी। और इसमें मैंने घी लगा लिया है। अब जो ये घिया का पेस्ट है, जो बर्फी बनाई है हमने, अब मैं इसमें जमा दूंगी इसे बर्फी को मैं। और इसे अच्छे से फैलाऊंगी मैं इस पे और ये मैंने अच्छे से इसको जमा दिया है। ये मैंने चांदी का वरक लिया है, अब मैं ये घिया की बर्फी के ऊपर लगा दूंगी। और ये हमने इस पे चांदी का वर्क लगा दिया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये हमारी बर्फी जम चुकी है, अब हम इसको कट कर लेते हैं।
ये हमारी बर्फी कट हो चुकी है। अब मैं इसके पीसेस निकालूंगी बाहर, और ये देखो कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है हमारी बर्फी। मैं एक प्लेट में रख लूंगी, बाहर से मैं अपने सारे बर्फी के पीसेस निकाल लूंगी और एक प्लेट में रखती जाऊंगी। ये हमारी सारी घिया की बर्फी कट हो चुकी हैं और इनको मैंने प्लेट में सर्व भी कर दिया है। के ऊपर थोड़ी थोड़ी टूटी फ्रूटी रख दूंगी जिससे कि देखने में बढ़िया लगे। ये हमारी घिया की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।